वेलकम फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर सीरीज। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंसर्ट इमेजेस इन वर्डप्रेस। लास्ट वीडियो में हमने एक ब्लॉग पोस्ट बनाया था जिसमें हमने काफ़ी कंटेंट ऐड किया था, बट वहां पर कोई भी इमेजेस नहीं थी। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उसमें इमेजेस ज़रूर होता है, कंपलसरी होते हैं। और अगर आप आपके वेबसाइट पे इमेजेस रखेंगे तो वो अट्रैक्टिव एंड यूजर्स फ्रेंडली रहेगी, यूजर्स के माइंड में जल्दी सेट होता है। तो हाउ टू इंसर्ट इमेजेस इन वर्डप्रेस टू मेक योर ब्लॉग लुक मोर अट्रैक्टिव, यू आर बाउंड टू नीड टू इंसर्ट इमेजेस टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस ब्लॉग या पेजेस में किस तरह से इमेजेस को इंसर्ट किया जाता है। सो लेट्स चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की ओर। सो फ्रेंड्स, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जहाँ पर हम करेंगे इंसर्ट इमेज इन आवर पोस्ट। सो पोस्ट में आने के लिए आपको ऑल पोस्ट में आना रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमने लास्ट चार पोस्ट क्रिएट किए हुए थे, उसमें से जो लास्ट हमारा पोस्ट था बेस्ट लैपटॉप अंडर 25 के इन इंडिया, इसको हमें एडिट करना है। इसी में हमारा कंटेंट है, इस कंटेंट में हम इंसर्ट करेंगे एक इमेज। तो फ्रेंड्स, बहुत केयरफुली देखना, इसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि इमेज में जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो साइज़ का आता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, उसके नीचे हमारा टाइटल है, टाइटल के नीचे हम देने वाले इमेज। तो एक टाइटल के लास्ट में आप आइए और वहाँ पर आने के बाद आपको इंसर्ट करना है एंटर की। एंटर की करेंगे तो आपको गैप मिल जाएगा, गैप मिलेगा उधर आपका कर्सर दिख रहा होगा ब्लिंक होते हुए, एंड टॉप पर ऊपर आप देखेंगे आपको ऐड मीडिया का एक बटन रहेगा। सो आप मीडिया यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप ऐड मीडिया लाइब्रेरी में मीडिया में जाएंगे तो ऐड मीडिया आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सो अभी अगर आप पोस्ट पर हैं तो आप यहां से क्लिक करिए ऐड मीडिया। ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आएगा सिलेक्ट फाइल, आप कौन सा फाइल इंसर्ट करना है। सो मैंने एक फाइल डाउनलोड किया हुआ है जिसमें लिनोवो के कुछ लैपटॉप्स हैं, ये लैपटॉप्स के कुछ इमेजेस हैं, यहां पर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। देखिए यहां पर मुझे एक एरर दिया, दिस फाइल टाइप इज नॉट परमिटेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सो ये क्यों ऐसा दिया, आपके साथ भी हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, देखते हैं कि ये इमेज क्या है। सो ये इमेज ही करप्ट है, इसलिए ये इमेज यहाँ पर डिसेबल हो गया, यहाँ पर ये इमेज व्यू नहीं हो पा रहा है। सो अगेन हमने देखा कि वो फाइल करप्ट हो गया है, हमने एक दूसरा जेपीजी इमेज, पीएनजी इमेज हमने ऐड किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। सो अभी लेट्स अपलोड फाइल पर, यहाँ पर हम टॉप से क्लिक करेंगे, वापस से सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहां से हम वो फाइल को अपलोड करने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं कि किस तरह से हम सक्सेसफुली अपलोड कर पाते हैं या नहीं। सो देखिए यहां पर ये इमेज है ब्लॉग और ये इमेज विजिबल भी हो रही है, पिछले इमेज जो था वो विजिबल नहीं हो रहा था, करप्ट हो चुका था, इसलिए वो एरर था। सो आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये इमेज जैसे ही सिलेक्ट होता है यहाँ पर ये राइट का मार्क है और आप इसको कर दीजिए इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इनटू पोस्ट। आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ये इमेज डिस्प्ले हो गया, लेकिन इस इमेज में अभी बहुत सारी चीजें चेंजेस करना बाकी हैं। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए और इसको वापस से एडिट करिए। एडिट करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइज दिखा रहा है, मीडियम, लार्ज, अपर लार्ज और कस्टम, या फिर फुल साइज को भी आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी आपको डिफिकल्टीज आएगी वो इमेज, जो भी आप इमेज यूज करेंगे वो प्रॉपरली साइज की हो, अगर वो साइज की नहीं होगी तो आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो प्रॉपरली नहीं देखेगा। तो मैं यहाँ पर लार्ज टाइप की एक इमेज लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके साथ में आप इसका अलाइनमेंट देखेंगे कि ये लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड नन। सो आप इसको सेंटर पर सेट कर सकते हैं, लेफ्ट में सेट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, ये डिपेंड होगा कि आपका थीम कैसा है, आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके हिसाब से इसको आप अपडेट कर दीजिए। देखिए अभी ये इमेज कुछ बड़ा होकर दिख रहा है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और इसको कर दीजिए आप पोस्ट। फ्रेंड्स, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जैसे आप कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमने जो थीम कैटेगरी बनाई थी डेस्कटॉप पे ये इमेज ऑलरेडी सिलेक्ट है। सो अभी हमें यहाँ पर करना है लैपटॉप सिलेक्ट एंड डेस्कटॉप को हम अनसिलेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट था जो पहले डेस्कटॉप पर था अभी वो डेस्कटॉप में नहीं रहेगा, डेस्कटॉप की कैटेगरी में नहीं रहेगा, ये लैपटॉप की कैटेगरी में चला जाएगा। इसको हम कर देते हैं अपडेट। अपडेट करेंगे
ये सक्सेसफुल पोस्ट अपडेटेड हो चुका है। यहीं से आप राइट क्लिक करके उस पोस्ट को आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा पोस्ट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने जो साइज लिया था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हम फुल साइज भी ले सकते हैं, जैसे भी आपकी नीड हो उस हिसाब से आप आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना इमेजेस यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा ये वीडियो, इसको शेयर करना ना भूलें। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।